हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन रिसर्चर्स के बारे में जिन्होंने विगर जॉन मेंडल के रिसर्च वर्क को रिकॉग्नाइज किया था। 1863 में उनका काम कंक्लूड हुआ था, 1900 के बाद उन्हें रिकॉग्निशन मिला था। लेकिन इतने सालों उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया, उसको जानने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। लेकिन अब हम जानेंगे उनको उनके काम को रिकॉग्निशन किन रिसर्चर्स की वजह से मिला, और साथ ही इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ नॉन मेंडेलियन जेनेटिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी, जीन के कुछ डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में भी। ठीक है, तो पहले उन रिसर्चर्स के बारे में बात करते हैं। सो ग्रिगर जॉन मेंडल के रिसर्च वर्क को ह्यूगो डी ब्राइस, कॉरेंस एंड वॉन शेनमार्क ने रिकॉग्नाइज किया था। इन तीनों ने इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे काम किया था एंड अल्टीमेटली ही रिकॉग्नाइज्ड मेंडल वर्क। और अल्टीमेटली उस टाइम पे माइक्रोस्कोपी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर डिविजन के टाइम पे कुछ क्रोमोजोमल अरेंजमेंट्स देखने को मिले और क्रोमोजोमल डबलिंग देखने को मिली। तो उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए कि मेंडल जेनेटिक्स जो है, यानी कि मेंडल के जो वर्क है, वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो माइक्रोस्कोपी डेवलप होने की वजह से बहुत हेल्प मिला। तो माइक्रोस्कोपी जैसे जैसे डेवलप हुई तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स को भी एनालाइज किया गया और क्रोमोसोमल डबलिंग भी देखी गई बिफोर सेल डिविजन। ठीक है, जिसकी वजह से चीजें समझना इजी हो गई। लेकिन कंप्लीट रिकॉग्निशन और कंप्लीट एनालिसिस जो है वो किया दो रिसर्चर्स ने, 1902 में उनका काम कंक्लूड हुआ। उन्होंने एक्चुअल रिलेट किया था क्रोमोसोमल मूवमेंट के साथ मेंडेलियन जेनेटिक्स को। वो थे वॉल्टर सुटिन एंड थियोडोर बोवेरी। ये दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने क्या किया, क्या एनालाइज किया, ये क्रोमोसोमल मूवमेंट पे काम कर रहे थे, सेल डिवीजन के टाइम पे फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इन्होंने क्या एनालाइज किया कि डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो मूव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे मेंडल ने फैक्टर्स को लेकर एक्सप्लेन किया था। क्रोमोसोम अगेन पेयर में काम कर रहे थे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट कर रहे थे, एक्सप्रेशन दे रहे थे पेयर में। तो अल्टीमेटली दोनों रिसर्चर्स समझ पाए कि जीन्स जो है, यानी कि फैक्टर्स की बात की थी ग्रिगर जॉन मेंडल ने, वो फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम और फैक्टर्स को रिलेट किया था। सो रिलेटेड टू फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिनको आज हम जीन कहते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने इस सारे कॉन्सेप्ट को, इस सारे इंफॉर्मेशन को एक थ्योरी में कन्वर्ट किया, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो बताती है कि ग्रिगर जॉन मेंडल के कहे हुए फैक्टर्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर कहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जैसा जैसा क्रोमोसोमल मूवमेंट हो रहा था वैसे वैसे जेनेटिक मूवमेंट भी हो रहा था अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Now let's discuss about polygenic inheritance. तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक कैरेक्टर जो है वो एक पेयर ऑफ अलील्स कंट्रोल करते हैं, है ना, यानी कि एक पेयर ऑफ अलील्स, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल टी कैपिटल टी, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी तक। अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बताता है कि जो एक कैरेक्टर जो है वो मल्टीपल जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दी गई है, हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को फोकस करेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, सो वो एग्जाम्पल जो है वो है ह्यूमन स्किन कलर की। ह्यूमन स्किन कलर अगर हम देखते हैं तो कितने सारे स्किन टोन्स होते हैं, लाइट और डार्क तो एक्सट्रीम हम बता सकते हैं, एक एक तो वो होगा डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ठीक है, तो बाकी बीच में भी बहुत सारे स्किन टोन्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो उनकी पॉसिबिलिटी वो कैसे है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो ह्यूमन स्किन कलर है इट इज कंट्रोल्ड बाय
थ्री पेयर ऑफ जीन्स, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, और इसके रिसेसिव फॉर्म्स भी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, यानी कि थ्री डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स मिलकर स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो थ्री सेट ऑफ जीन्स इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स ले सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन टोन बहुत डिफरेंशियल अरेंजमेंट में दिखता है। यानी कि अगर प्योर डोमिनेंट है तो स्किन कलर पूरा डार्क होगा, प्योर रिसेसिव है तो पूरा लाइट होगा। अगर लेट्स से ये फॉर्म हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्किन टोन और लाइट हो जाएगा, ठीक है, डार्क से लाइट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रिसेसिव अरेंजमेंट आ रहा है वैसे एक पॉसिबिलिटी और है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, अकॉर्डिंगली हमारे पास इतने डिफरेंशियल अरेंजमेंट्स हो जाते हैं स्किन टोन के, जिसकी वजह से वैरायटी दिखती है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, यानी कि मल्टीपल जीन्स को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। वहीं दूसरा है हमारे पास प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। प्लियोट्रॉपी में, जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रहे थे, बट यहाँ पे एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसमें एग्जांपल दिया गया है एक डिजीज का, जो कि एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिजीज है, तो क्रोमोसोम नंबर 12 से जुड़ी हुई है, उसे कहा जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक जीन में सिंगल जीन में मैल फंक्शन या कुछ दिक्कत होने की वजह से, डिजीज होने की वजह से सिंगल जीन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो जीन खराब हो जाने की वजह से एक एंजाइम नहीं बन पाता, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम नहीं बन पाएगा, ये एंजाइम जो है बेटा फिनाइल एलेनिन को टायरोसिनेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो सॉरी टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। बट इस डिजीज में क्या होगा, आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होंगे। वो सिम्टम्स है हेयर लॉस, यानी कि हेयर रिडक्शन हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। आप देख रहे हो टारगेट एरियाज बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो मेंटल रिटार्डेशन, ये अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जीन है वो काम नहीं कर पाया तो कितने सारे टारगेट एरियाज जो है वो इफेक्ट हुए, ठीक है, कितने सारे फीचर्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए, कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई कितने सारे। वैसे ही एक और एग्जांपल है जो यहाँ पे मैं बात करूंगी, बट एनसीईआरटी ने उसको डिफरेंट लेवल पे डिस्कस किया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एस्पेक्ट से, बट हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। वो प्लियोट्रॉपी शो करता है, दैट इज जो जीन है स्टार फॉर्मिंग जीन इन पी प्लांट, स्टार्च फॉर्मिंग जीन इन पी प्लांट। तो ये स्टार्च फॉर्मिंग जीन जो है वो क्या करता है, पी प्लांट के केस में स्टार्च फॉर्म करता है, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये दो अरेंजमेंट्स ले रही हूं। जो कंप्लीट डोमिनेंट है वो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनाएगा, यानी कि उसका स्टार्च ग्रेन बड़ा होगा, और जो स्मॉल रिसेसिव अरेंजमेंट है वो बिल्कुल स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनाएगा पी प्लांट के सीड में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब एक कैपिटल बी स्मॉल बी अल्टीमेटली हिटरोजाइगस अरेंजमेंट में होते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आएगा इंटरमीडिएट साइज का। तो ये तो हो गया स्टार्च ग्रेन के एस्पेक्ट से, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखो सेम जीन जो है ना वो सीड के शेप को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, तो क्योंकि अगर कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन बना रहा है ना, तो वो
पी का शेप जो है ना वो बिल्कुल राउंड हो जाता है। स्टार्च ग्रेन बड़ा होने की वजह से तो राउंड सीड भी आता है, तो ये दूसरा फीचर भी कंट्रोल हो गया। वहीं पे स्मॉल भी अरेंजमेंट है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन बन रहा है ये तो हम जान गए, लेकिन इसके केस में रिंकल्ड सीड आता है। ठीक है, तो कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन और राउंड सीड के अरेंजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, और स्मॉल बी स्मॉल स्टार्च ग्रेन और रिंकल्ड सीड के अरेंजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये है दूसरी एग्जाम्पल, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी, तो उसमें हम अगेन बात करेंगे इसके बारे में। तो आप देख पा रहे हो कि एक जीन ने कितने कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल किया, यहाँ पे भी कितने सारे फीचर्स आ रहे हैं, कितने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, कितने टारगेट एरियाज हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी वाले अरेंजमेंट्स भी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट हम वही डिस्कस करेंगे जो नीट के सिलेबस में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और कुछ नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स हैं डोमिनेंस के, जो कि मेंडल फिगर आउट नहीं कर पाए थे, जो हम अब जानते हैं आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च, मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च। अब हम वो चीजें जो है वो अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को।